हेलो एवरीवन ऑनलाइन क्लास क्लास सेवंथ सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फिफ्टीन पार्ट थ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया भारत में जल का वितरण वाटर इज अनेबली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रॉट आउट आवर कंट्री इन सम प्लेसेस देयर इज हैवी रेनफॉल विल अदर एरियाज फेस वाटर स्कर्सिटी एट द सम टाइम इफ यू सी द रेन map of our country the northeast receives maximum rainfall places like the thar desert remain almost in waterless conditions and the rainforests receive most of the rain most of the rains in india happens during monsoon and the other m months are relatively ड्राई मोस्ट ऑफ द रेन वाटर ड्यूरिंग मानसून इज बेस्ट एज रन ऑफ सो एक्सेस वाटर माई बी एवेलेबल ड्यूरिंग द रेनी सीजन बट देयर माइट वी शॉर्टेज ऑफ द सम ड्यूरिंग द समर सीजन हमारे देश में पानी आसमान रूप से व्यतीत किया जाता है कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होती है जबकि अन्य क्षेत्रों में एक ही समय में पानी की कमी का सामना करना पड़ता है यदि आप हमारे देश के वर्षा मानचित्र को देखते हैं तो उत्तर पूर्व में अधिकतम वर्षा होती है और मरुस्थल जैसे स्थान लगभग निर्जल स्थिति में रहते हैं और वर्षा वन वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त करते हैं भारत में अधिकांश बारिश मानसून के दौरान होती है और अन्य महीने अपेक्षा शुष्क होते हैं मानसून के दौरान अधिकांश वर्षा जल हवा के रूप में बर्बाद हो जाता है इसलिए बरसात के मौसम में अतिरिक्त पानी उपलब्ध हो सकता है लेकिन गर्मी के मौसम में इसकी कमी हो सकती है कंजर्वेशन ऑफ वाटर जल का संरक्षण मोस्ट ऑफ द सिटीज एंड विलेजेस फेस वाटर शॉर्टेज therefore it becomes necessary for all of us to use water carefully the conservation of water means saving water and using it judiciously so that it is available to all the people अधिकांश शहरों और गांवों में पानी की कमी है इसलिए हम सभी के लिए पानी का उपयोग सावधानी से करना आवश्यक हो जाता है पानी के संरक्षण का अर्थ है पानी की बचत करना और इसका उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना ताकि सभी लोगों के लिए यह उपलब्ध हो सके हेयर्स आर वेज बाई विच वी कैन कॉन्जर्व वाटर यह कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं डू नॉट अलाउ वेस्टेज ऑफ वाटर टॉट ओपन टैप्स व्हील ब्रेसिंग वथिंग सेविंग एंड अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज ब्रश स्नान सेविंग और अन्य घरेलू गतिविधियों के दौरान खुले नलों के माध्यम से पानी की बर्बादी न होने दें रिपेयर द लीकिंग टैब्स इमिडिएटली लीक हुए नल को तुरंत ठीक करें रिसाइकल द वाटर एट होम डू नॉट थ्रो वाटर आफ्टर वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड सिलेक्स फोर इट इनटू द प्लांट और यूज इट फॉर मॉपिंग घर घर पर पानी को रिसाइकल करें बचाएँ सब्जी और अनाज धोने के बाद पानी न फेंकें इससे पौधों में डालें या मॉपिंग के लिए दूसरी बार के लिए इस्तेमाल करें डैम्स एंड रिजर्वायर शुड बी कॉन्स्ट्रक्टेड टू कलेक्ट वाटर एंड कंट्रोल फ्लूड्स पानी इकट्ठा करने और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांधों और जलशयों का निर्माण किया जाना चाहिए प्लांटिंग ट्रीज आल्सो हेल्प्स टू कंजर्व वाटर रूट्स ऑफ प्लांट्स विन द सॉयल पार्टिकल्स दिस हेल्प्स इन पेरोलोशंस ऑफ वाटर पेड़ लगाने से पानी का संरक्षण में भी मदद मिलती है पौधों की जड़ों जड़ें मिट्टी कणों को, को बांधती है जिससे पानी का परलोकोशन में मदद करता है बांधने में मदद करता है इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज शुड बी ट्रीटेड बिफोर इट इज डिस्चार्ज इन द वाटर सोर्सेस जल स्रोतों में छुट्टी होने से पहले औद्योगिक दौग, अवशिष्ट और सीवेज का उपचार किया जाना चाहिए फार्मर्स शुड फॉर्मर्सूड एडोप इरीगेशन टेक्निक फॉर Watering crops in this type of irrigation roots of plants are watered drop by drop. This saves up to one third of water that could have been wasted by filling the entire field with water. किसानों के फसलों को पानी देने के लिए ड्रिप इंटीग्रेशन तकनीक अपनानी चाहिए इस प्रकार की सिंचाई में पौधों की जड़ों को बूंद बूंद करके पानी पिलाया जाता है जिससे एक तिहाई पानी की बच जाता है जो पूरे खेत को पानी से भरकर बर्बाद हो सक जाता है कलेक्टिंग ग्रैंड वाटर आल्सो सेब्स वाटर स्टेप बेल्स आर ड्रग टू कलेक्ट रेन वाटर दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ सेविंग रेन वाटर विच इज़ यूज टिल डेट वर्षा जल को एकत्रित करने से भी पानी की बचत होती है वर्षा का पानी का इकट्ठा करने के लिए चार कुओं का स्रोत होता है और यह बचत में पारंपरिक तरीके से बारिश को पानी जो आज तक इस्तेमाल किया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज विंग इंक्रॉज बाई द गवर्नमेंट डेज डेज एज एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ कंजर्विंग ग्राउंड वाटर मोस्ट ऑफ द रैंड वाटर इज बेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रन ऑफ भूजल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण तरीके के रूप में इस दिनों सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित किया जा रहा है अधिकांश वर्षा जल अवभाव के रूप में बर्बाद हो जाता है This can be avoided by rainwater harvesting. Rainwater harvesting involves collecting of rainwater falling on the roofs of building in a trench below the ground in a hack building and in small tanks in houses and small buildings. It replaces groundwater instead of flowing off into the drains. Rainwater is fresh and अनकोमेटेड एंड इफ कलेक्टेड हार्वेस्टेड प्रॉपरली इट कैन बी यूज फॉर वॉसिंग कार वाटरिंग प्लांट एंड मैनी अदर एक्टिविटीज वर्षा जल जल संचयन से इससे बचा जा बचाया जा सकता है वर्षा जल संचयन में एक विशाल भवन में जमीन के नीचे खाई में इमारतों की छतों पर गिरने वाले जल वर्षा जल को संग्रह और घर के और छोटे भवनों को छोटे छोटे टैंकों में शामिल करना शामिल है यह नालियों में बहने के बजाय भूजल की भरपाई करता है वर्षा का पानी ताज़ा और अशिक्चित होता है और यह यदि यह सही तरीके से एकत्र किया जाता है तो इसका उपयोग कार के धोने पौधों को पानी देने और अन्य गतिविधियों के लिए भी यूज किया जा सकता है Thank you.